हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल वीरेवर साइंस सेंटर सातेफर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले फोर्स, ठीक है। नाम सुनते ऐसा लग रहा है कि कौन से दुनिया में आ गए, फिजिक्स वाली दुनिया, ठीक है। तो सीधी सी सिंपल सी फिजिक्स है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले फोर्स के बारे में, ठीक है। फोर्स के बारे में और उसके दो टाइप हैं जो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के नाम से जाने जाते हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। तो फोर्स मतलब क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है। फोर्स इज अंडरस्टैंड बाय अ सिंपल वर्ड विच इज पुश और पुल, ठीक है। अगर आप लोगों को फोर्स के बारे में बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन चाहिए तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज अंडरस्टैंड बाय अ पुश और पुल। मतलब क्या है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ थोड़ा सा, हाँ, पुश कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर उसके उसी जगह से उसको हमको वापस लाना है, क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अगर आप लोगों ने पढ़े हो, ठीक है, छोटे बच्चे नहीं पढ़े होंगे, जो 8-9 के बच्चे हैं उनको पता है, ठीक है। फोर्स का मतलब क्या है, विच चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका मोशन चेंज करने का काम कौन करता है, फोर्स। तो दो चीज़ें हैं जिससे हम लोग फोर्स समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, देखो समझ लो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक हम इसको फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसके सामने अगर कोई दीवार ऐसे खड़ी कर दी तो पेन और आगे नहीं जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट और आगे नहीं जाएगा। तो मतलब क्या है, उसका मोशन चेंज कर दिया हम लोगों ने, रोक दिया उसको, तो दैट इज फोर्स, ठीक है। तो फोर्स दो चीज़ों से समझा है, विच चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहला। दूसरा क्या है, पुश और पुल, किससे समझ सकते हैं, पुश और पुल से, ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी इसके इसके दो टाइप है जो हमको पढ़ना है, विच इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। के बहुत सारे टाइप है लेकिन हमको आज सिर्फ दो ही पढ़ना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। सर ये क्या नया चीज़ है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है, वेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट विथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। समझ रहे हैं, समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, स्टेडी है, स्टेशनरी है, हिल ही नहीं रहा जगह से, उसको हिलाना है, क्या करेंगे, उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना। अभी जादू मंत्र तो है नहीं कि हाँ जादू कर दिया और अपने जगह से हिल गया, ऐसा नहीं होता कभी साइंस में, ठीक है बेटा। साइंस साइंस है, ठीक है, उसको करने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम ये देखो, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, जब वेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम दूसरे ऑब्जेक्ट से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी जगह से देखो हिल रहा है, ठीक है, हिल रहा है, इसको बोलेंगे हम क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ऐसे जो फोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। सर नॉन कॉन्टैक्ट क्या होगा फिर, जिसमें हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे उसको नॉन कॉन्टैक्ट बोलेंगे। तो सर ऐसे जो फोर्स है वो कैसे अप्लाई होगा, बिना कॉन्टैक्ट किए हुए फोर्स तो कभी अप्लाई होते हुए हम लोगों ने देखा नहीं, ठीक है। अगर गाड़ी बंद पड़ गई तो उसको भी फिर भी हमको धक्का मारना पड़ता है, फिर जाकर वो चालू होता है। तो सर कांटेक्ट तो करना पड़ेगा, बिना कांटेक्ट के तो फोर्स नहीं लग सकता, लग सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट। अगर ये समझ लो आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग किसी तरह से छुएंगे नहीं लेकिन फिर भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो चलिए एक्सपेरिमेंटल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, ओके। तो चलो, तो बच्चों देखो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, ठीक है, वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेट है मेटल का, ठीक है। तो इसको अभी हम लोगों को क्या करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाना है। कैसे दिखाओगे, हम लोगों ने अभी बात किया कि अगर आपके पास समझ लो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट से जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अभी यह तो हिलने वाला तो है नहीं, जादू मंत्र है नहीं इसमें, ठीक है। तो हम लोग जब इसको
कांटेक्ट कर, देखो कांटेक्ट हो गया उसके बीच में, जब इसको कांटेक्ट करके इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो फोर्स होगा इसको बोलेंगे हम कांटेक्ट फोर्स। सिंपल है, ठीक है। इससे बड़ा ले लो आप कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, अब इसको भी आपको अपने जगह उसके जगह से हिलाना है तो कांटेक्ट, कांटेक्ट के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हिलाओ, फोर्स लग गया, कांटेक्ट फोर्स। ओके तो सर कांटेक्ट तो समझ गया, अभी नॉन कांटेक्ट कैसे समझेंगे, है ना, क्वेश्चन तो आता है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास आप लोगों के पास, मेरे पास आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है, देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है ना, नुकीला एग्जांपल बोलते इसको, ठीक है। कुछ पेपर्स पिन है मेरे पास, इनको अभी मुझे इनके जगह से हिलाना है विथ विदाउट कॉन्टैक्ट विद द पिन्स, इनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं बना के मुझे इनको हिलाना पड़ेगा। करके दिखाओ सर, अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए सर करके दिखाओ तब हम मानेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेट, ठीक है, मेरे पास एक मोटर का मैग्नेट है, तो मैं इसको कांटेक्ट नहीं करूँगा, किसी भी पिन को कांटेक्ट नहीं करूँगा, देखो ठीक है, किसी भी पिन के साथ मैं कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हो गया, चिपक गया सारे के सारे, लग गया फोर्स, ठीक है। मैंने किसी को छुआ क्या, नहीं छुआ, फिर से एक बार करके देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ अलग इसमें करके देखते हैं, ठीक है, मैं लाइन से लगाता हूँ इनको, ठीक है, कांटेक्ट, देखो ठीक है, किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं हो रहा, देखो ठीक है, लग गया फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स होते हैं जो विदाउट किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करके वो फोर्स अप्लाई करता है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल और है मेरे पास, ठीक है, देखो दो पेपर के टुकड़े हैं, आप लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट बचपन में बहुत बार किया होगा, ठीक है। मेरे पास एक प्लास्टिक का पेन है, अभी इस पेन को मैं क्या करूँगा, कपड़े में या फिर बचपन में हम लोग बाल में उसको ये करते थे, ठीक है, जो आप लोगों के हेयर है उसमें हम लोग इसको रब करते थे, ठीक है। रब करने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक स्टैटिक फोर्स तैयार होता है, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा इसको अपने बालों में रब कर लेता हूँ, आप लोग घर में करके देखो ये एक्सपेरिमेंट, बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखो मैंने रब किया, ठीक है, देखो अपने आप ये जो है इसके ऊपर चिपक रहा है, मैं हाथ लगाया क्या इसको, नहीं लगाया, ठीक है, देखो चिपक रहा है, ठीक है। तो ये भी ये जो स्टैटिक फोर्स है, ये भी किसका टाइप है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही टाइप है, ठीक है। एक और एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। तो हम लोग चलो वो भी एग्जांपल देख लेते हैं कि ग्रेविटी कैसा काम करता है। ओके तो बच्चों मेरे हाथ में देखो एक बॉल है, ठीक है, सिंपल सा एक प्लास्टिक का बॉल है। ग्रेविटी सब लोगों को पता है कि जो हमारा अर्थ है उस अर्थ को कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आके गिरता है, ठीक है। अभी अगर मैंने इसको यहाँ से फेंका, नीचे आ रहा है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को किसी ने छुआ क्या, नहीं छुआ, लेकिन फिर भी ये चीज ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। और एक बार देखो, आ रहा है नीचे, ठीक है, क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी किसका टाइप है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही टाइप है, ठीक है, समझ गए आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझा है, हम लोगों ने तीन चार एक्सपेरिमेंट किए हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ईजी है, हमारे सराउंडिंग में होने वाले एक्सपेरिमेंट हैं। सर कैसे, गाड़ी बंद हो गई किसी की, फोर्स लगाना पड़ेगा, ढक लो, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। मैग्नेट से किसी चीज़ को हम खींच रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हर रोज हमारे सराउंडिंग में एग्जांपल्स होते रहते हैं, लेकिन हम कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और हमारे चैनल का मोटो क्या है कि जो साइंस आपके अराउंड में हो रहा है उसके तरफ ध्यान दो, उसको एक्सपेरिमेंटल पार्ट में एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो वही हम लोगों ने किया, तीन चार एग्जांपल देख लिए, ठीक है। और ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है इजी है, घर में बैठ कर आराम से कर सकते हैं, तो उसको घर में बैठ के करो, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि आप लोगों को भी वीडियो बना के हमको भेजना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सभी लोगों को समझ गया है। तो
तो तब तक के लिए ये वीडियो हमारा आज तक आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे होम।